आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आयाज। तेज खबर 24 शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर है रीवा से, जहां कोरोना काल में कोरोना वॉरियर शासक कार्यकर्ता रीवा की रंजना द्विवेदी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने गांव और शहर ही नहीं बल्कि भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी ने पोस्टर के माध्यम से लोगों को कोरोना और अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करने का काम किया है। रंजना द्विवेदी ने यह पोस्टर वॉशिंगटन की अंतरराष्ट्रीय संस्था npr.org के नजर में आए तो संस्था ने इन्हें विश्व की 19 प्रभावशील महिलाओं में शामिल किया है। यह ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल में जागरूकता का काम किया है। तो आइए जानते हैं कौन है रीवा की रंजना द्विवेदी, जिन्हें विश्व की 19 प्रभावशील महिलाओं में शामिल किया गया है। सबसे पहले सुनाते हैं रंजना जी की जुबानी, जिन्होंने तेज खबर 24 से अपने अनुभव को साझा किया है। सर, ये हम आशा कार्यकर्ता हैं, तो जो आशा का हम कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में, तो अंदर टीका लगवाते हैं सर, तो पोलियो पिलाते हैं, तो वहाँ जब फील्ड में काम करते हैं सर, तो वहाँ के औरतें पहले नहीं सुनती थी, कहना नहीं मानती थी सर, टीका वगैरह में विश्वास नहीं रखती थी। तो सर उनको समझा बुझा के टीका लगवाना शुरू कराए, आज वो इतने जागरूक हो गए कि खुद हमसे फोन करेंगे, पूछेंगे दीदी अभी आई नहीं आई। तो सर उनको फिर नहीं समझती थी जब फील्ड में पेंटिंग बनाते, उनको पेंटिंग में समझाते थे और उनसे बहुत सारे बातें करते। तो आज जाके 8-10 साल में सर ऐसा माहौल आया कि वो खुद इतने जागरूक हो गए कि हमसे बात करती हैं। और उसके दरमियान सर हम नदी में गिर भी गए थे 2 बार, तब भी हम नहीं माने, अपना प्रयास जारी रखे सर। जी जी। तो जो ये हमारा कार्य है सर, ये जो हमको आज नाम मिला, तो ये सब हमारे आशा के कार्यों से मिला सर। और जो हम पेंटिंग में बनाए हैं वो सब सर आशा हम ही हैं, और जो वो वहाँ जिसमें वो सारे कार्य है कार्य, तो वो सब हमारे गांव के लोग हैं सर। हम अपने ऊपर ही पेंटिंग सारी बनाते हैं सर, इतनी जो सोच है हमारी, हमारे हमारे गांव में जो हम छिड़े जात के लोग हैं जहाँ हम कार्य करते हैं, तो मतलब वहाँ ना हरिजन है ना आदिवासी, ST OBC सामान्य कोई नहीं, सिर्फ पिछड़े जात के केवट और पाल। तो हम उनके बीच में जाके बैठते थे, उनसे बातें करते थे और उनको समझाते थे। तो नाव से हमको जाना पड़ता था, नदी से उस पार से जाना पड़ता है, और जो वो पटेरा वाली तमस नदी ऊपर से वो पावर हाउस है सर, तो वहाँ उतनी चौड़ी वो वहाँ भी है ऊंचे तरफ भी, तो उसको पार करके हम जाते हैं। और उसको आज इतना मानती हैं कि बोलते हैं कि हम अपने आशा दीदी को चीनते हैं, और हमारे यहाँ कोई नहीं आता, किसी भी विभाग के कोई अधिकारी नहीं आते हैं, एक हमारी आशा दीदी हैं कि जो हम लोगों को इतना बताएं, इतना समझाएं, और पूरा टीका लगवाती हैं सर। और वो सारी अब इतना अच्छे से टीका लगवा लेती हैं कि अब सर इतना तो कोई शहरी में भी लापरवाह होंगे, पर वहाँ से हमारे सब जागरूक हो गए सर जी। हमको हम वहाँ भी जब काम करते सर, और जब वहाँ से उनसे मिलते, उनका चेहरा देखते, बात करते आते, तो सर हमको इतना खुशी मिलती थी, वही खुशी आज हमको ये सब देख के मिल रही सर, कि आज वही जो अपने आप खुश होते थे, चलते रहते पैदल और खुश होते रहते कि हमारी ये फला महिला इस तरह बात की, इस तरह बात की, आपस में इस तरह हंसे, फिर पेंटिंग बनाए। तो सर इतना तक कि वो जब डिलीवरी हुई एक बार, तो उसकी 2 बच्चियाँ थी, तो उसने तीसरी बच्ची को जन्म दिया तो रोने लगी वहाँ, फिर मौर से एक्सी में हुआ था, उसका डिलीवरी हुआ था, करवाए थे। तो जब हम देखे कि रो रही, तो बड़ा दुख लगा, फिर बोले क्या रो रही हो तुम, ऐसे क्यों रोती हो, इतना मासूम सा चेहरा लड़की है, तो क्या ये अनाथ है, ऐसे लड़की को थोड़ी ना मन इतना निरादर करता है, हो गया लड़की है, तुमको ज्यादा लग रही तो हमको दे दो, तो हम इसको लेंगे, हमारी लड़की है। तो खूब खुश हुई और आंसू पोंछ के हंसने लगी, और उसका नाम रंजना रखवा दी, जो हमारा नाम है। और अभी जो दोनों से ज्यादा उसको दुलार करती है, चलो इस तरह उनको हम प्रभावित करते हैं और आपस में बातें करते हैं, फोन में भी बातें करते हैं सर, तो इसीलिए हमको बहुत खुशी मिलती है कि चलो ये बताइए।
दरअसल रीवा की रंजना द्विवेदी जिला मुख्यालय से महज 95 किलोमीटर दूर गुरगुदा गांव में आशा कार्यकर्ता है। रंजना द्विवेदी मूल रूप से अतरैला थाना के रुपौली कोनी गांव की रहने वाली है। बीए पास रंजना द्विवेदी बीते 9 साल से बतौर आशा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। रंजना रोजाना 20 किलोमीटर का सफर तय कर अपने केंद्र गुरगुदा गांव पहुंचती हैं। बताते हैं कि गुरगुदा गांव की आबादी तकरीबन 500 है। यह गांव तराई क्षेत्र के जंगलों के बीच स्थित है, जो बेहद ही पिछड़ा गांव है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान गांव के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक परिवार बाहर से वापस घर लौटे थे। इसी दौरान कोरोना से उन्हें बचाने के लिए रंजना लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी। रंजना ने कोरोना काल में जागरूकता को लेकर 15 पोस्टर बनाए और उसी पोस्टर की मदद से महिलाओं को स्वच्छ रहने, स्वस्थ रहने और कोरोना से बचाव की जानकारी देती थी। रंजना ने अपने पोस्टर से न सिर्फ ग्रामीणों को जागरूक किया, बल्कि पोस्टर्स को सोशल मीडिया में डालकर देश और दुनिया को भी जागरूक करने का काम किया। इन सब के बीच वाशिंगटन की अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किए गए सर्वे में उन्हें विश्व की 19 प्रभावशील महिलाओं में शामिल किया गया है। इस विश्वख्याति उपलब्धि को हासिल करने के बाद रीवा की रंजना द्विवेदी आज अपनी मेहनत और लगन से पूरे विश्व में अपने नाम की धूम मचा दी है।